नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? उम्मीद है तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और इन बीच रेलवे ने एक और भी आप सभी के लिए खुशखबरी डाल दी, और ये खुशखबरी है आगामी भर्ती के लिए 50,000 से ज्यादा पद वर्ष 2025 में आप सभी के लिए आ रहे हैं। इनके कैलेंडर पे मैंने पहले ही बात कर लिया था, लेकिन आज भी मैं आपको जब और भी जानकारी हमारे पास है तो बहुत सारी सूचनाएं आप सभी के लिए लेके आया हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टीम परीक्षा प्लस आप सभी के रेलवे एग्जाम की बहुत बेहतर तैयारी करवा रही है, और साथ में हमने एक छोटा सा प्यारा सा चैनल आपका परीक्षाटक रेलवे के लिए बिल्कुल अलग भी इसीलिए किया है ताकि आप सभी लोग की रेलवे की तैयारी टेक्निकल सेगमेंट में बहुत बेहतर हो पाए। आते हैं आज की खबर की 50,000 नई भर्ती। और मैंने ये भी बताया कि किस किस में, आपने थंबनेल देखा होगा, किस किस में कितने पद आ रहे हैं। जैसे एनटीपीसी के 10,000, ग्रुप डी के 15,000, आरपीएफ के 5,000, एएनपी के 10,000, टेक्नीशियन के 5,000, जेई के 5,000, ऐसे मिसलेनियस कैटेगरी में और भी ले लिया जाए तो सब मिला के कुल मिला के 50,000 से ज्यादा वैकेंसीज आपके लिए आ रही है। एक बात यहाँ पे दिमाग में खटकती है कि अगर यहाँ पे बात किया जाए ग्रुप डी की, केवल 15,000 पद अभी नहीं भर्ती तो ग्रुप डी की आई भी नहीं, उसमें पदों की संख्या पता भी नहीं चली, और अगले साल केवल 15,000 इतने कम तो ग्रुप डी की वैकेंसी जा कर रही है। दूसरा क्वेश्चन, इस बार फिर भी एलपी को बढ़ा के 18,799 कर दिए, लेकिन अगर देखा जाए तो अगले बार केवल 10,000 आएगी, तो क्या इतने ही पद रह जाएंगे? क्या इस बार गोल्डन चांस है, अगली बार कॉम्पिटिशन और बढ़ जाएगा? इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये सारी बात खबर कहां से आई है सबसे पहले मैं बता देता हूं। सुबह से बहुत सारे बच्चे लगातार ये कटिंग भेज रहे हैं, लगातार कॉल मैसेज कर रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे लोग वीडियो बना रहे हैं, क्या ये सही है? एक बार आप बता दीजिए, क्योंकि आपकी बातों पे थोड़ा विश्वास रहता है। तो अगर आप इतना अपने बड़े भाई पर विश्वास करते हो तो अपने छोटे भाइयों को एक सही मार्गदर्शन देना भी मेरा कर्तव्य है। और मैं आपसे इतना बोलूंगा कि आप सारे बच्चे जो अभी इस एग्जाम की तैयारी करो, आप अभी इन पे बहुत ज्यादा फोकस मत हो। आ रही है वैकेंसी वो बहुत अच्छी बात है, इनपे वो फोकस करें जो इस बार किसी कारण से फॉर्म नहीं भर पाए, उनकी गलती से, या फिर अर्हताएं नहीं थी, हो सकता है फाइनल ईयर में रहे हो, या फिर ग्रेजुएशन ना रहा हो, या डिग्री ना रहा हो, या डिप्लोमा ना रहा हो, या आईटीआई ना रहा हो, किसी कारण से वो किसी एग्जाम में इस बार नहीं भर पाए, तो उनके लिए तो बढ़िया है कि फिर से 50,000 वैकेंसी आ रही है, ज्यादा समय नहीं लगी। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि क्या ये वैकेंसी एग्जाम होने के बाद आएगी, या एग्जाम चलता रहेगा और वैकेंसी आ जाएगी? तो ये बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने कैलेंडर पे वर्क करना शुरू कर दिया है, तो ये जरूरी नहीं कि आपकी ये वाली भर्ती जो 2024 वाली फाइनल हो तभी ये वैकेंसी आएगी, नहीं, वो चलती रहेगी और ये वैकेंसी नहीं आ जाएगी। मतलब एक ऐसा समय आएगा कि इस बार जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो स्टेज टू की तैयारी कर रहे होंगे, और अगले ही बार अगले 2-3 महीने में उनका स्टेज वन का भी पेपर लगा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंसियरिटी आपके दिमाग में आने की आवश्यकता होती है कि भाई थोड़ा सा हम कैसे इस चीज को मैनेज करेंगे। नए बच्चे हैं जो मतलब कि फेसबुक फॉर्म नहीं भर पाए, वो तो इस पे अमल करें, इस खबरों को लेके इस पे थोड़ा सा उत्सुकता दिखाएं, ये ज्यादा बेटर है। लेकिन अभी मैं आपको बोलूंगा कि जो बच्चे इस बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा उस पे फोकस रहिए। हाँ, एक बात सत्य है कि लाखों फॉर्म पड़ते हैं, जैसे अभी आपने देखा एनटीपीसी में बिलासपुर से लगभग 4 लाख फॉर्म पड़ गए, आपने देखा कि एएलपी में लगभग 21 से 22 लाख पड़ गए, टेक्नीशियन में 24 से 25 लाख, उससे भी ज्यादा फॉर्म पड़े हैं। तो ऐसे देखा जाए फॉर्म की संख्या, आपने देखा आरपीएफ का एसआई में इतने सारा फॉर्म पड़ गए हैं, वहीं पे 15 लाख से ज्यादा एसआई में फॉर्म पड़ गए, कांस्टेबल में और ज्यादा फॉर्म है, तो नो डाउट कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, एक सीट पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझने पे दिमाग में रहता है कि भाई टोटल वैकेंसीज 2024 में 45,708 है, सारी कैटेगरी को मिला लिया जाए, उसमें एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, सब जो मेडिकल, जेई सब आए, सब मिला लिया जाए तो 45,000 वैकेंसी 2024 में रेलवे की तरफ से आया है, जिसमें अभी लेवल वन यानी कि ग्रुप डी का आने वाला है, बहुत ज्यादा 30-35 जाएगा तो ये 60-70 जाएगा। तो ऐसे में अगर 60-70 हजार पद में इतने सारे फॉर्म भर रहे हैं तो सिलेक्शन तो केवल 60-70 हजार बच्चों का होना है, और अगर सारे एग्जाम को मिला लिया जाए कहीं पे 22 लाख, कहीं पे 25 लाख, कहीं पे बोल सकते हो 15 लाख, और सबको मिला लिया जाए तो भी 50 लाख से ज्यादा बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो 50 लाख के 50 लाख तो सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे, सिलेक्ट कौन होंगे? जो सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे वो सिलेक्ट होंगे, जो खूब मन लगा के मेहनत करेंगे। तो आप खूब मन लगा के मेहनत कर रहे हो एक बार मुझे बताना। अब आते हैं बात, तो भाई जितने बच्चे सेलेक्ट होंगे वो भी ध्यान दे, और बाकी जो बच्चे नहीं सेलेक्ट होंगे अब वो बच्चे ध्यान दे कि भाई मैं ये मतलब कि ऐसा समझिए कि प्रैक्टिकल जो सिचुएशन है सारे बच्चे नहीं हो जाते। और आपको ये बार बार मैं समझाता हूँ कि इतनी कड़ी मेहनत कर लो ना कि जो आपका फेलियर वाला है वो सीमेंट रह ना जाए, क्योंकि सत्य यही है कि सारे लोग सेलेक्ट नहीं होंगे। तो आपको किसमें जाना है, सिलेक्शन वाले में या नहीं सिलेक्शन वाले में, इसे डिसाइड आपको करना है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अभी फिलहाल ज्यादा से ज्यादा मेहनत
करना है। क्लियर हो गई बात। तो अब आते हैं यहाँ पे कि अगले वर्ष रेलवे में 50,000 पदों पर बहाली भर्ती कैलेंडर जल्द जारी करेगा। अब इसमें जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये पूरी खबर मैंने इसलिए थंबनेल में ये सारी वैकेंसीज में अलग अलग लेकर निकाल दिया और यहाँ पे ये सारी ही चीजें लिखी है। इन्होंने यहाँ पे बीच में ये भी लिखा, फिलहाल रेलवे में 45,708 पदों पर नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया है और इसमें अभी लेवल वन ग्रुप डी शामिल नहीं है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे कि क्या लेवल वन के इस बार वैकेंसी बहुत कम रहेंगी, क्योंकि अगली बार 15,000 बता रहे, तो इस बार क्या हम 20,000 एक्सपेक्ट करें या हम ऐसा मान सकते हैं कि अगली बार इससे ज्यादा वैकेंसी आएगी। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक मैं आपको ये दिखा दूं, ये आप लोगों ने देखा होगा और इसे मैंने पहले भी वीडियो इसके बारे में बनाया था और यहाँ पे क्या था, इन्होंने एग्जाम कैलेंडर के बारे में सब कुछ बताया था। इसमें 10/10/2024 का था एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 फॉर द रिक्रूटमेंट थ्रू आरआरबीज और इन्होंने इसमें बताया था कि जो जनवरी मार्च का जो आपका फेज चल रहा है, जैसे इस बार आया वैसे ही अगले वर्ष भी इनका फेज चलेगा। और अगर आप देखोगे तो जनवरी से मार्च के बीच में फिर से एएलपी का क्या आ जाएगा, एएलपी का आपका नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। असेसमेंट 30/6/2026 तक कि इतनी जितनी वैकेंसी होंगी उन सबका क्या आ जाएगा, उन सभी का आपका जो बोल सकते हो कि YRMS पोर्टल पे दिसंबर 2024 में और जो आपका CEN आ जाएगा, मतलब कि जो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा वो जनवरी 2025 में। तो दिसंबर में तो आपका क्या हो रहा है, अभी देखा जाए तो 25 नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो आपका स्टेज टू नहीं हो रहा, हो चुका होगा, अभी स्टेज वन ही लेवल होगा और आपकी एएलपी की वैकेंसी आ जाएगी, यही बात मैं आपसे बोल रहा था। अगर अप्रैल जून की बात करें, मतलब कि मार्च 2025 में आपका टेक्नीशियन का फिर से आ जाएगा। फिर से मैं बात करूं तो आपका जनवरी, यहाँ पे आप इसे देखे होंगे, तो जनवरी में जैसे मैंने क्या बोला एएलपी की बात किया और टेक्नीशियन की बात किया मैं कहाँ पे मार्च पे, अगर आप देखोगे तो जुलाई से सितंबर यानी जो एनटीपीसी अगर ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट और जेई और पैरामेडिकल की बात किया जाए तो ये वैकेंसीज कब आ जाएंगी, ये जून 2025 में दोबारा आ जाएंगी, ये आपका कैलेंडर है। और ऐसे ही लेवल वन जो आ जाएगा वो अगले साल सितंबर में आ जाएगा, मतलब अगले साल, ये थोड़ा सा और प्रायर रहेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अभी तो आपके लेवल वन का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है और उसके पेपर की बात भी ये क्या कर रहे हैं, ये अभी पेपर की बात लेवल वन का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है, मतलब हम ये मान के चले कि जून जुलाई के बाद नहीं होगा। अगर आप ये चीज देखोगे तो यहाँ पे जैसे मैंने ये कैलेंडर दिखाया था ना आपको, ये कैलेंडर आया था, इसमें एनटीपीसी तक बात की कि मई जून 2025 तक तो इस बार का एनटीपीसी का पेपर होगा, इसका मतलब कि अगर लेवल वन की बात कितनी भी जल्दी कर लेंगे उसमें बच्चे भी ज्यादा होते हैं तो अगस्त सितंबर तो आराम से जाएगा, मतलब अगले बार का पेपर भी नहीं होगा लेवल वन का ग्रुप डी का और नई वैकेंसी आ जाएगी। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि एक बच्चे के लिए नई वैकेंसी का भी एग्जाम लगाओ और पुरानी वैकेंसी का भी एग्जाम लगाओ, ये दोनों सिचुएशन साथ में हो सकता है, दोनों तैयारियां साथ में होगी। तो क्यों ना हम इसी बार इतनी ज्यादा मेहनत कर ले कि हमारा क्या हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए, और अगर किन्हीं कारणों से ना हो, क्योंकि ईश्वर को ही नहीं हो जाता, ये बात सभी को समझ में आना चाहिए, तो अगर किन्हीं कारणों से ना हो तो क्यों ना हमारी तैयारी इतनी बार हो, इतनी अच्छी हो कि जो सेकंड वाला चांस आए उसमें हम केवल प्रैक्टिस रिवीजन के बदौलत सिलेक्शन ले लें, सही बात है या नहीं, एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आते हैं भाई, अब मैं इस बात को समझिएगा कि आप लोग को तैयारी अपनी बेहतर तरीके से करना है। आप सभी के जो साथी जिनका पेपर अभी एएलपी टेक्नीशियन का जल्दी है, तो आप सभी के लिए क्रैश कोर्स परीक्षा प्लस पे लॉन्च कर दिया गया, ये बिल्कुल फ्री है, निशुल्क है, पूरा फ्री है, इसमें कोई फीस नहीं है। कोई यही नहीं बोलेगा कि आ गए सर कोर्स बेचने में, कोर्स बेचने की बात नहीं करता हूँ, फ्री देने की बात करता हूँ, और जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो बिल्कुल जानते हैं। हाँ, रही बात कोर्स की, तो आप में से बहुत सारे दोस्तों का डिमांड था कि इस दिवाली क्या बेहतर ऑफर हो सकता है, तो एक लिमिटेड जो टाइम की ऑफर होता है, जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, आपका आज से ही, मतलब कि आपका अभी ये ऑफर चल रहा है 27, 28, 29, 30, 31, पांच दिन ऑफर चलेगा और परीक्षा प्लस की सारे कोर्सेस मात्र 249 रुपए में मिल रहे हैं। आप देखोगे तो मात्र 249 में सारे के सारे कोर्सेस हैं और आपको इसके लिए कोई भी कूपन नहीं लगाना है। आप किसी भी बैच से, आप रेलवे के, नॉन रेलवे के, जिससे भी जुड़ना चाहते हैं, केवल 249 में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और कोई भी टेस्ट सीरीज, चाहे वो एएलपी की हो, चाहे टेक्नीशियन की हो, चाहे आपका एनटीपीसी का हो, सारे के सारे टेस्ट सीरीज आप मात्र 89 में प्राप्त कर सकते हो, जिसमें 25 टेस्ट आपको मिलेंगे। टेस्ट आप ऑनलाइन भी दोगे, टेस्ट का पीडीएफ भी होगा, टेस्ट का प्रिंट भी करवा सकते हो और बहुत सारे के वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो सब कुछ आपको भाई इतना कम प्राइस में दिवाली ऑफर में दिया जा रहा है, तो क्यों ना दिवाली को बहुत बेहतरीन, बहुत खुशहाली वाली मनाए, सक्सेस वाली दिवाली मनाए। इस वीडियो में बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार।